नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स के डिस्कशन करेंगे, रूपा एंड डॉलर। तो रिसेंट में इन दोनों स्टॉक्स में बहुत तेजी आई है, तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से भी इन स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं और डेली हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो रूपा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो AUM कैपिटल ने इसे बाई की रेटिंग दी थी, टारगेट दिया था 614 रुपए का जब इसकी प्राइस 465 के पास थी। और अगर मैं दोस्तों देखूं तो अनिल सिंघवी जी का कहना है कि रूपा में 103% तक का अपसाइड आ सकता है। पीई इसका केवल 17.6 है, जबकि इसके कंपटीटर लक्स और पेज इंडस्ट्रीज का पीई काफी ज्यादा हाई है, 33/100 के पास तक का है। तो पीई वाइज अच्छा है और ग्रोथ इस स्टॉक में अच्छी चल रही है। आरओसी आरओई देखिए 20% के ऊपर है दोनों चीजें, ये चीज काफी अच्छी है। पीई उस हिसाब से काफी सस्ता है। आप इनके अगर कंपटीटर्स का देखेंगे पीई, तो वो आइए वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी से काफी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद भी है। पेज इंडस्ट्री का 111 तक का भी पीई हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स इनकी अगर आप देखेंगे, मैं ईयरली आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए 532 करोड़ से बढ़ के इनकी सेल्स 1300 करोड़ हुई है, डबल से ज्यादा हुई है पिछले 10 साल में। बहुत अच्छा ये नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर है, बट ऑपरेटिंग मार्जिन उस हिसाब से इनकी काफी ज्यादा 8-10% से बढ़ के 20% के आसपास अब हो गई है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकी 45 करोड़ से बढ़ के 250 करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये सारी चीजें सही है। नेट प्रॉफिट अगर भी देखो तो 2010 में 25 करोड़ थी, और अब की इनका रिसेंट में देखिए, ये आप इनकी ग्रोथ देखिए जरा, यहां मार्च 2020 में 114 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 257 करोड़, तो गजब ग्रोथ दिखाई है इन्होंने पिछले एक सालों में। और वही चीज हमें इनकी स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिला है। चार्ट पर मैं देखूं दोस्तों तो स्टॉक अपने 50 और 100 डे के मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसका इजीली 500 निकल के आ रहा है और फिर 550, तो 500 एंड 550 के टारगेट्स को हम एम करके चलेंगे। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 430 के पास का। आइए अब हम एक बार डॉलर इंडस्ट्रीज का एनालिसिस कर लेते हैं। रूपा इंडस्ट्रीज का एक बार मैं डिलीवरी परसेंटेज आपको बताना भूल गया था, इसका डिलीवरी परसेंटेज आई 38%, 8% की राइज के बाद, तो बेहतरीन डिलीवरी परसेंटेज रहा है इसका। आइए अब एक बार हम डॉलर इंडस्ट्रीज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनका आरओसी आरओई रूपा के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है, पी 25 के पास है, कोई यहाँ पैसे बट खास दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रॉस में देखूं तो मेन यही है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, बट सेल्स ग्रोथ और ये सब इनकी उतनी खास चल नहीं रही है। आइए अब हम इनके रिजल्ट्स को एक बार देख लेते हैं। इनकी कंपनी की मैं ग्रोथ देखूं तो काफी ग्रोथ हुई है। सेल्स इनकी देखिए मार्च में 200 करोड़ से बढ़ के 1000 करोड़ हो गई है, ऑलमोस्ट 5 times इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी इनकी बहुत अच्छी हुई है, 8 करोड़ थे 2008 में, अभी 138 करोड़ की हुई है, तो काफी अच्छी तरह से ये कंपनी भी हमारी बढ़ रही है रूपा की ही तरह। तो कंपनी में ऐसा फंडामेंटल्स इशू नहीं है, रिजल्ट्स इनके रेगुलरली अच्छे ही आ रहे हैं। हालांकि एक दो साल की जो ग्रोथ हुई थी वो रूपा की बहुत ज्यादा अच्छी थी, ऑलमोस्ट उन्होंने डबल की प्रॉफिट पोस्ट की थी यहाँ पे, बट इसमें वैसा नहीं है, तो इस चीज को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम एक बार डॉलर को भी चार्ट के माध्यम से एनालाइज कर लेते हैं। तो मैं डॉलर इंडस्ट्रीज की बात करूं दोस्तों तो ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई जो था 510 के पास था, उस दिन वहां तक जाके वहीं से लौटा है। एक ये रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन में अगर बनाऊं तो स्टॉक का 525 ईवी टारगेट निकल के आ रहा है, और उसके बाद स्टॉक में 600 तक ये स्टॉक इजीली जा सकता है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो। आपको दोस्तों स्टॉप लॉस कहां रखना है, मेरा मानना है आपको स्टॉप लॉस यहां कहीं रखना पड़ेगा, ये 476 के ऊपर ब्रेकआउट था, 470 के पास का स्टॉप लॉस रखिए, 530 और 600 के टारगेट्स को एम करके चलिए। यहां पे देखिए 5 साल पहले भी ये स्टॉक इसी लेवल में था, फिर बहुत डाउनफॉल हुआ, फिर वापस ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। अर्निंग्स और रेवेन्यू काफी बढ़ चुके हैं, अगर मैं आप 2018 में एक बार इसका देख लेते हैं, 2018 में आप कंपेयर करेंगे तो इनका 926 करोड़ के पास की सेल्स थी, अभी 1000 के आसपास की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ी सी बढ़ी है और मार्केट भी क्योंकि बहुत बढ़ चुकी है तो अब की बार लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। बढ़िया यहां से आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाइएगा।
तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा, काफी फायदा होगा। अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।